नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। समाज जागृति अभियान DNN CNN न्यूज चैनल व परिवार के डायरेक्टर माननीय श्री अजय कुमार पांडे के द्वारा अश्लीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान का संचालन संपूर्ण भारत वर्ष में किया जा रहा है, क्योंकि अश्लीलता किसी समाज, धर्म, जाति का मुद्दा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मामा, ताई, मौसी, ससुर, बहू का अश्लील वीडियो दिखाया जा रहा है। हमारी संस्कृति का नग्न प्रचार चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। एकदम सत्य हमारे बीच कम पढ़े लिखे लोगों के पास मोबाइल है और एक उंगली के शेयर से वह आदमी मुसीबत में पड़ जाता है और निर्दोष व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नग्न प्रचार, जितने भी फ्रैंक वीडियो, हंसी मजाक में एडल्ट भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उन फ्रैंक वीडियोस के व्यूज 4 मिलियन से 5 मिलियन होते हैं, जो कि रिश्तों की मानसिकता को समाप्त कर रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे ऐप पर अश्लील विज्ञापन दिखाए जाते हैं और जल्द से बंद भी नहीं होते हैं। वर्तमान में मोबाइल बच्चों के हाथ में होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, यह हमारे बच्चों का ही नहीं संपूर्ण भारत का नैतिक बंधन कर रहा है। अश्लील वीडियो, अश्लील विज्ञापनों का प्रसारित करने वालों पर दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो देश की संस्कृति का शीघ्र पतन हो जाएगा। अश्लीलता ने समाज को इस कदर बिगाड़ दिया कि जिस देश का नाम उसकी संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता था, अब उसी देश को अश्लीलता के कारण अपराधों के नाम से जाना जाता है। सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई अश्लीलता एक ऐसी बीमारी है, आंखों के माध्यम से मन में प्रवेश कर व्यक्ति के चरित्र को खोखला कर देती है। इसीलिए अश्लीलता से दूर ही रहें। हमारे जो 2 साल, 4 साल और 6 साल के बच्चे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से घर पर ही रेपिस्ट बनाया जा रहा है। जैसे ससुर और बहू के संबंध को इस तरह दिखाया जा रहा है कि कलेजा फट जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर रिश्तों में हवस की झलक दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नकली आईडी बनाकर नग्न प्रचार किया जा रहा है। जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सार्वजनिक स्थान पर पाबंदी होती है, उसी तरह से अश्लील वीडियो के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए, तभी समाज में जो अपराध बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी। सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों में हवस की भावना पैदा करके विनाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमारे भारत में साइबर सेल, आईटी सेल, सरकार से बालकों का संगठन और सभी भारतवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है। उन सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अश्लीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान में हमारे सभी देशवासियों का सहयोग से ही संभव हो सकता है। CNN, CNN ग्रुप एंड कंपनी, भारत के सभी संगठन, धर्म प्रचारक और सभी धर्मों के जुड़े लोगों से यह अपील करते हैं कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए और हमारा भारतवर्ष अपराध मुक्त रहे, इसलिए हमारे अश्लीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान में आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करें। हमारे समाज में कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का उन लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही नहीं, हमारे भारतवर्ष के कई वीडियो के माध्यम से अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अश्लीलता दिखाई जा रही है, उसी का अनुसरण ये भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही अश्लील वीडियो दिखाई जा रही थी, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति से, लोक कला से जुड़े वीडियो चैनल भी अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अश्लील वीडियो का सहारा ले रहे हैं। सरकार अपनी आंखें बंद करके इन वीडियो से आनंद विभोर होकर मस्ती में बांसुरी बजा रही और भारतीय संस्कृति को बांसुरी बजा कर समाप्त कर रही है। संपूर्ण भारतवासियों से BNN CNN न्यूज अपील करता है कि उच्च पदों पर बैठे लोग जो बांसुरी बजा रहे हैं, इनके बांसुरी पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, तभी हमारे भारतवर्ष में अश्लीलता समाप्त हो पाएगी। आज जो मोबाइल के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए समस्त पत्रकार साथियों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपेक्षा। समाज जागृति अभियान में सहयोग के लिए हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के भारतीय सेवा के कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि व भारतीय संस्कृति समाज से जुड़े लोगों के द्वारा हमारे लिए हर पल नित दिन जो सहयोग व सम्मान प्राप्त हो रहा है, उसके लिए BNN ग्रुप एंड कंपनी धन्यवाद प्रकट करता है और भविष्य में आशा करता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जुड़े पत्रकार साथियों व समाज से जुड़े लोगों का पहला कदम होने की संभावना
भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए आगे भी आप लोगों का संपूर्ण सहयोग व सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान में आज अश्लीलता का भयंकर भयानक भयावह उन्मादी राक्षस के रूप में हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य में नुकसान कारण साबित हो रहा है और भयंकर सामाजिक तबाही तथा सामाजिक उन्माद बना रहा है, जिसके विपरीत परिणाम से असंस्कृत तथा विकृत पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। अब समय आ गया है कि संपूर्ण देश से तथा वैश्विक स्तर से अश्लीलता रूपी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तथा गुप्त रूप से चारों तरफ छुपे राक्षस को चुन चुन कर समाप्त करने के लिए आप सभी संस्कृति प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, कुदरत प्रेमी, मानवता प्रेमी तेजी से आगे बढ़ें और हमारे देशव्यापी तथा वैश्विक अभियान से अवसर पर आपको इस विषय में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए और अभी तक किए हुए सभी प्रकार के सहयोग के लिए BNN ग्रुप एंड कंपनी एकाकुना एक बार हृदय से आत्मा से आभार प्रकट करता है। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हर जाति संप्रदाय धर्म के सभी प्रकार के रिश्तों व संबंधों के सभी को नम्र निवेदन द्वारा सूचित किया जाता है कि अश्लीलता मुक्त समाज निर्माण के लिए माध्यमों द्वारा समाज में दिखाया जा रहा अश्लीलता का माहौल संपूर्ण बंद हो व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और संपूर्ण देश के और विश्व के कल्याण के लिए BNN व CNN के शंख नारे में बढ़ चढ़कर नया समाज नया युग निर्माण के लिए हमारे बुलंद हौसलों को बढ़ावा देने के लिए आप सभी हमें तन मन धन से तथा संपूर्ण समर्पण भाव से समर्पण करें। इसी से हमारा आत्मविश्वास प्रबल होता रहेगा तथा हमें कार्यों में वायु गति मिलेगी। BNN और CNN न्यूज मीडिया हाउस का परिवार संपूर्ण भारतवासियों को आभार व्यक्त करता है। BNN न्यूज अश्लीलता मुक्त भारत चाहता। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।